रहमानिर रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। टुडे आवर लेक्चर इज 3.1। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर डायनामिक्स के बारे में है, तो सबसे पहले हमने अब डिफरेंस देखना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो था काइनेमैटिक्स का एंड थर्ड चैप्टर है डायनामिक्स का। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि काइनेमैटिक्स में भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो काइनेमैटिक्स होता है, काइनेमैटिक्स में हम विदाउट एनी काजेस रीड आउट करते हैं, लेकिन डायनामिक्स में हम काजेस के बारे में भी पढ़ते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है जिस वजह से बॉडी ने मूव किया है। ये देखें, अब इसके डिफरेंस में आप लोगों ने जस्ट ये वाली बात लिखनी है कि इन काइनेमैटिक्स वी हैव स्टडीड द चेंजेस इन मोशन ओनली। ठीक है, आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चेंजिंग इन मोशन इज ऑफ लिटल वैल्यू विदाउट नोइंग इट्स काजेस। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है किस चीज़ के बारे में, काइनेमैटिक्स के बारे में, जब पेपर में डिफरेंस आ जाए। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है डायनामिक्स का। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एंड द काज ऑफ इट्स मोशन। ये देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि एंड द काज ऑफ इट्स मोशन, कि हमने मोशन के बारे में भी रीड करना है और उसके काजेज भी, उसकी वजूहात भी बतानी है कि मोशन क्यों हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओनली मोशन, ओनली मोशन एंड विदाउट नोइंग इट्स काजेज। ठीक है, अब ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है अगर पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो इसके बाद हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है, हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, मोशन के बारे में और उसके काजेज के बारे में। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी मोमेंटम एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेट व्हाट काजेज एंड चेंज इन द मोशन ऑफ अ बॉडी एंड व्हाट रोल द मास ऑफ अ बॉडी प्लेज इन इट्स मोशन। तो इसमें बेसिकली वो क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, मोमेंटम के बारे में पढ़ना है और हमने इन्वेस्टिगेट करने हैं किस चीज़ को, काजेस को, वजूहात को, कौन सी जो कि बॉडी की मोशन की होंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हमने रीड आउट करने हैं फोर्स के बारे में कि व्हाट इज फोर्स, इनर्शिया के बारे में व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज मोमेंटम। ये तीन आर्टिकल है हमारे पास जिनके बारे में आज हमने रीड आउट करना है। तो ये हैं थ्री बेसिक्स रूल, जिन अगर हमें आज इनकी समझ आ जाती है तो हम न्यूटन के लॉस पढ़ सकेंगे और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो यही चीज़ें हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इज अंडरस्टैंडिंग द काजेज ऑफ मोशन। अगर हमने काजेज ऑफ मोशन को रीड आउट करना है कि मोशन की वजह क्या है, तो उसके लिए हमें न्यूटन लॉ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बिफोर वी डिस्कस दीज लॉ, इन लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम को डिस्कस करना होगा, क्योंकि इन लॉ को जब हम डिस्कस करते हैं तो उनमें भी यही टर्म यूज हो रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फोर्स, के फोर्स क्या होती है। तो अगर हम कॉमन देखें कि फोर्स क्या होती है, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर उसी चीज़ को किसी चीज़ को मूव करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये बेसिक थ्री एग्जांपल्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इनमें क्या है कि इधर एक एग्जांपल अगर हम देखें एग्जांपल 3.2, इस 3.2 में क्या है कि एक हमारे पास खिलाड़ी है, बैट्समैन है, जिसने बाल पे क्या लगाई है, फोर्स लगाई है और बाल हमारी क्या हुई है, हिट हुई है। मतलब इस पर भी वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स किस चीज़ पर लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अगर हम एग्जांपल 2 की बात करें तो एग्जांपल 2 में क्या हो रहा है कि इसमें एक मैन फोर्स तो लगा रहा है वाल पर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब देखे यहाँ पर जो मैंने अभी फोर्स की बताई है आप लोग को डेफिनेशन, कि टेंस टू मूव आर स्टॉप्स टू मूव। तो इधर क्या है कि ये इस दीवार पे फोर्स तो लगा रहा है लेकिन ये दीवार मूव नहीं करेगी। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि फोर्स लगाने से ये लाजमी नहीं है कि कोई भी चीज़ मूव कर जाए या फिर स्टॉप करे। तो इसके बाद ये 3.4 एग्जांपल है, इसमें क्या है कि गोलकीपर है जो कि बाल को गोल होने से रोक रहा है।
ये एक एग्जांपल 3.1 है। इसमें क्या है कि एक हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन फोर्स की। तो इस फोर्स की डेफिनेशन को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इधर ये वही थ्री एग्जांपल्स हैं, एक ये चौथी एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है कि एक रेडी वाला है, ये अपनी चीज़ें बेचने के लिए क्या करवाएगा, इस रेडी को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएगा या फिर इसको मूव करवाएगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएगा या फिर इसको टर्न करवाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये इस पे भी फोर्स लगा रहा है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। मूव्स आर टेंस टू मूव्स, स्टॉप्स आर टेंस टू स्टॉप्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। कि वो उसको मूव करवाता है, मूव वो जो बॉडी होगी वो मूव होगी या फिर वो मूव करवाने की कोशिश करेगा, वो बॉडी स्टॉप हो जाएगी या फिर टेंस टू स्टॉप के स्टॉप करवाने की कोशिश की जाएगी। द मोशन ऑफ अ बॉडी, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, कि ये बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। अब देखें इस पे, इस एग्जांपल में हमारी बाल ने मूव किया था, लेकिन इधर ये टेंस टू मूव मतलब मूव करवाने की कोशिश कर रहा है दीवार को, लेकिन दीवार मूव नहीं हो रही। तो डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया कि लाजमी नहीं है कि कोई भी चीज़ मूव करेगी या फिर स्टॉप करेगी। मूव या स्टॉप करवाने के लिए बेशक वो चीज़ मूव ना करे, लेकिन टेंस टू मूव मतलब मूव करवाने की जब हम कोशिश भी करवाएंगे तब भी हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इसके बाद एक और पॉइंट है कि फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट, कि ये जिस चीज़ पे एक्ट करती है, जिस चीज़ पे हम इसे लगाते हैं इस फोर्स को, तो उसकी ये शेप या साइज को भी चेंज कर सकती है। इसके बाद है एनर्शिया। तो एनर्शिया क्या है, फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्लीलियो, उसने ऑब्जर्व किया था कि इट इज़ अ इजी टू मूव आर स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट देन हैवियर वंस, कि जो हमारे पास हल्के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको मूव करवाना या फिर उनको स्टॉप्स करवाना इजी है किस चीज़ की निस्बत, हैवियर ऑब्जेक्ट्स की निस्बत। तो आप लोग को भी पता है अगर कोई हैवी बॉडी आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर एक कार आ रही है अपनी स्पीड के साथ, तो आप उसको स्टॉप नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कोई दूसरी है जैसे कि खिलौने वाली कार है, तो उसको आप मूव करवा सकते हैं। वजह क्या है कि उसका जो मास है वो क्या है, हल्का है, और उसका दूसरी कार का ज़्यादा है। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर द डिफ़िकल्ट टू मूव आर इफ मूविंग देन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप्स। वही बात है कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स को हम मूव करवाने के लिए या फिर उनको स्टॉप करवाने के लिए क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। ये न्यूटन न्यूटन कंक्लूड दैट एवरी बॉडी रिजिस्ट टू चेंज इन इट्स रेस्ट, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन। न्यूटन ने जो बात कंक्लूड की थी, उसने ये कहा था कि कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो अगर स्टेट की अगर रेस्ट की हालत में है, तो वो क्या करता है, उसमें जो चेंजिंग होती है उसके रिजिस्ट कर देता है, मतलब उनकी मुखालफत करता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, तो उसमें भी चेंजिंग को वो रिजिस्ट करता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि एनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में पड़ा है, तो वो रेस्ट की हालत में ही पड़ा रहेगा। अगर उसको आप लोग चेंज करवाएंगे, तो वो उसको क्या कर देगा, मुखालफत कर देगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो वो मूव ही करता रहेगा, उसमें जो चेंजिंग होगी उसको क्या कर देगा, रिजिस्ट कर देगा। तो ये बात न्यूटन ने कंक्लूड की थी। ही रिलेट्स द एनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मैस, ग्रेटर इज द मैस ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर इज द एनर्शिया। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा होगा तो उसका एनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा तो उसका एनर्शिया भी कम होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनर्शिया की, एक्सपेरिमेंट 3.1। तो एक्सपेरिमेंट 3.5 ये जो है, जो आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें बेसिकली वो क्या कर रहा है कि उसने एक ग्लास लिया है, ऊपर क्या पड़ा है, एक कार्डबोर्ड है, और इसने इसके ऊपर क्या रख दिया है, पीस रख दिया है, हम कहते हैं कि इसने इधर क्वाइन को ही रख दिया है। तो
इसमें एनर्शिया क्या है कि देखिए, हमने अभी एनर्शिया में क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट की हालत में है तो वो मूव नहीं करना चाहता, अगर हम उसमें चेंजिंग करेंगे तो वो उसकी क्या कर देगा, मुखालफत कर देगा, उसको रिजिस्ट कर देगा। तो ये इधर भी देखें, ये जो कॉइन आपको नज़र आ रहा है, अब ये नीचे गिलास पड़ा है, ये कोई कार्डबोर्ड है, ये कॉइन है, तो जब हम फिंगर के, अगर हम फिंगर से एक ही फोर्स मतलब एक ही झटके से इस ये जो ऊपर कार्डबोर्ड पड़ा है इसको हम निकालें, तो ये जो कॉइन है ये नीचे गिर जाएगा, इसके साथ आगे नहीं जाएगा। तो यही चीज़ है इनर्शिया की कि उसने इस कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं किया, कॉइन ने वो नीचे गिर गया। नीचे क्यों गिरा है, क्योंकि ये गिलास अंदर से क्या होता है, खाली होता है, अगर खाली ना होता तो ये ऊपर ही पड़ा रहता। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने खुद भी परफॉर्म करना है घर में। इसके बाद ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, 3.6 फिगर में इसमें कॉइन्स, इधर एक कॉइन था, इधर कॉइन्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं और एक स्ट्रिप है, कोई भी आप पेपर ले लें, उस पेपर की एक स्ट्रिप बना लें, तो इसके ऊपर जब आपने कॉइन्स रखे हैं और फिंगर से आप लोग एक ही झटके के साथ इस स्ट्रिप को अगर खींचें तो ये जो कॉइन्स हैं ये स्ट्रिप के साथ आगे नहीं जाएंगे, ये इधर ही एक दूसरे के ऊपर पड़े रहेंगे और ये गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि इसके नीचे कोई होल वगैरह नहीं है। तो ये भी इनर्शिया ही है, मतलब कि ये अगर ये चीज़, ये जो कॉइन्स थे ये रेस्ट की हालत में थे, हालांकि हमने इस स्ट्रिप को मूव करवाया लेकिन इन्होंने मूव नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है मोमेंटम के, व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट्स पोजिशन ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, मास एंड वेलोसिटी का। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, मास को एम से एंड वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स एस ए यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमने यूनिट कैसे बनाया, जो मास का यूनिट है वो है किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ये दो क्वेश्चन लिखे गए हैं कि जो हमारे पास बुलेट होती है उसका जो मास होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन जब वो गन से निकलती है तो वो जब किसी चीज़ पर जाकर एक्ट करती है तो उसका असर ज़्यादा क्यों होता है। बट वाई डज इट इम्पैक्ट इज सो स्ट्रांग व्हेन इट्स फायर्ड फ्रॉम द गन, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये क्वेश्चन है, अब देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बुलेट है उसका मास कम है लेकिन जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। अब इधर दूसरे क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि एक ट्रक है जो कि लोडेड है, उसके साथ से एक बंदा गुजर रहा है, तो जो ट्रक में से कुछ सामान है जो कि बाहर निकला हुआ है वो जब उस बंदे को लगता है तो क्या होता है, उस बंदे पे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो ट्रक की स्पीड थी वो क्या थी, बहुत ही स्लो थी, मूविंग स्लोली स्पीड। तो इसकी वजह ये है, ऊपर जो था इस बुलेट वाली एग्जांपल में उसमें मास तो कम था लेकिन जब गन से निकली है उसकी स्पीड ज़्यादा थी, मतलब एक चीज़ कम थी और दूसरी चीज़ ज़्यादा थी, लेकिन जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। और सेम इधर क्या था, इधर जो स्पीड थी वो कम थी लेकिन ऊपर वाली एग्जांपल में स्पीड ज़्यादा थी, इधर स्पीड कम थी लेकिन जो उसमें द इम्पैक्ट ऑफ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी कमिंग इट्स वे इज़ वेरी लार्ज इवन इट्स द ट्रक इज़ मूविंग स्लोली। तो इसमें सामान जो था उसका जो वेट था वो ज़्यादा था लेकिन स्पीड ट्रक की स्लो थी, इसमें जो मास था वो कम था लेकिन स्पीड ज़्यादा थी, मतलब इसमें एक क्वांटिटी कम थी एक ज़्यादा थी, इसमें भी एक कम थी एक ज़्यादा थी। तो जब हम मोमेंटम लेते हैं वो हम किस चीज़ का लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मास एंड वेलोसिटी का, तो इसलिए इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। आज के टॉपिक के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें फर्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ फोर्स एंड गिव वन एग्जाम्पल। तो व्हाट इज़ फोर्स में आप लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है का कि अ फोर्स मूव्स आर टेंस टू मूव स्टॉप आर टेंस टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी।
The force can also change the direction of motion of a body. तो इसके साथ इसकी कोई एक एग्जांपल लिख देनी है जो कि 3.1, 2, 3 एंड 4 में से एग्जांपल कोई एक को आप लोगों ने डिस्क्राइब कर देना है। इसके बाद है डिफाइन एनर्शिया। तो एनर्शिया में भी आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है कि एवरी बॉडी रिजिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद है डिफाइन मोमेंटम। तो मोमेंटम में भी आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, या फिर वो वाली डेफिनेशन जो कि आप लोग की बुक में गिवन है। इसके बाद है राइट द फार्मूला एंड यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो फार्मूला क्या है कि पी इज इक्वल टू एम वी एंड यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसके बाद है एक्सप्लेन एनर्शिया विद एन एग्जाम्पल। तो इसमें आप लोगों ने एनर्शिया को एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल जो कि आपकी इधर स्लाइड्स में गिवन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों ने अपनी जो नोटबुक हैं उन पे राइट करनी है। थैंक यू वेरी मच।